वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूल इंजेक्टेड इंडियन। और आज हम वापस है एक नई वीडियो के साथ में। हम लोग अभी हैं रेस डायनामिक्स के पुराने वर्कशॉप पे। आज हम लोग अपनी CBR की सर्विस करा रहे हैं और हमारे साथ में हमारे कुछ दोस्त भी आए हुए हैं। ये सब शर्मा के भाग रहे हैं। इधर आइए आइए। ये हमारे स्ट्रीट बर्नर भाई साहब आए हुए हैं और ये इनके फ्रेंड भाई, आपका नाम? यश आए हुए हैं भाई। बहुत बढ़िया सपोर्ट है भाई लोग का, बहुत बढ़िया प्यार है, ठीक है ना? भाई का चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है ना? और हाँ, छोटे भाई साहब भी आए हुए हैं, वो तो कैमरा शाही है तो वो आएंगे नहीं कैमरे के सामने। ये लीजिए। तो ये चल रही है सर्विसिंग CBR की। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। CBR की सर्विसिंग में हमने एक चीज़ फाइंड करी, ये जो इसका स्टॉक एयर फिल्टर था, ये आप देख सकते हो पूरा क्लॉग हो रखा है। इतनी ज़्यादा इसमें डर्ट भरी हुई है कि इसमें सांस लेने की जगह नहीं है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे और हम यहाँ पे इसमें KNN का फिल्टर लगाएंगे नया। आप फ़र्क देख सकते हो दोनों में। मैं आपको पलट के दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा ऑयली है, हाथ गंदा हो रहा है। ये देखिए, ये है पुराना स्टॉक फिल्टर और ये है आपका KNN का फिल्टर। हम ये इसमें फिट कराने वाले हैं, इसको फिट कराएंगे। इससे थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ेगा, प्लस जो पिकअप का एक थोड़ा सा लैग था गाड़ी में वो ख़त्म हो जाएगा इससे। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें अब हम एक रेडिएटर ग्रिल भी लगवाएंगे। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो, ये रेडिएटर है गाड़ी का। क्या होता है हाई स्पीड में कई बार पहिए की वजह से छोटे छोटे पत्थर जाके रेडिएटर में लगते हैं, तो वो उसके फिन्स को टेढ़ा कर देते हैं, ये उसमें हेल्प करेगा। चलो भाई, अब ये चल रही है सफाई। तो ये फिट हो गया है एयर फिल्टर अपना, KNN का एयर फिल्टर। मेन चीज़ ये है ना, ये जो एग्जॉस्ट लगा होता है ये हवा ज़्यादा फेंकता है और ये खींच नहीं पाता है। क्या चांद देखेंगे क्या? करवा चौथ मनेगा इससे। गाइज ये पड़े हैं ब्रेक पैड्स, पुराने वाले खराब हो गए हैं। दिखाइए कहाँ हैं पुराने वाले। ओपनिंग वाला पोर्शन हम लोगों ने मिस कर दिया बिकॉज मैं खुद ही शोरूम पे था नहीं। तो गाइस, ये है लिक्विड मोली का इंजन फ्लश। इसमें इसको यूज़ करेंगे हम लोग अपने इंजन को फ्लश करने के लिए, ताकि सारी की सारी सेटल्ड डर्ट और गंदगी जो भी इंजन के अंदर बैठ गई होगी पुराने मोबिल ऑयल की वजह से, वो सब फ्लश हो जाएगी। इसके दो कैनिस्टर्स पड़ेंगे इसमें, ठीक है ना? तो एक बार देख लीजिए आप, पूरा प्रोसेस दिखा देते हैं आपको। तो अब इसमें इंजन फ्लश डाल दिया है, अब गाड़ी को करा है स्टार्ट ताकि वो इंजन फ्लश पूरे इंजन के अंदर सर्कुलेट हो जाए एक बार। इसको ओपन कर दिया है, ऑयल एम्प्टी हो रहा है गाड़ी के इंजन से। और इसमें हम लोग डालेंगे ये मोटुल का 300V2, तो ये इसके लिए परफेक्ट है। थोड़ा हाई डेंसिटी होता है तो ये हाई स्पीड के लिए रहता है। तो जितने लोगों की भी थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक है, मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप
मॉड्यूल 300D स्क्वायर ही डलवाएं, इससे गाड़ी आपकी काफ़ी मेंटेन रहेगी। कितने कैन पड़ेंगे इसके? 3.5, 1 लीटर का है, मतलब 3.5 लीटर इसमें इंजन ऑयल पड़ेगा। तो गाइज ये ऑयल फिल्टर भी चेंज हो रहा है गाड़ी का, ये पड़ेगा देख सकते हो आप लोग, ये जो अभी गाड़ी में पड़ रहा है ये सब बेस्ट क्वालिटी सामान है। आप अपनी गाड़ी की अगर सर्विस कराएं तो भैया से कह सकते हैं भैया ये वाला दीजिए, ओयाबुन कंपनी का है। ये रहा ऑयल फिल्टर, ये रहा पुराना ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर लगाने से पहले इसमें ऑयल भर के लगाएं। अगर आप ऑयल फिल्टर बिना ऑयल के लगवाएंगे तो आपकी गाड़ी में जो जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है इंजन ऑयल की वो कम पड़ जाएगी। जैसे आपने देखा इसमें करीबन 100-200 ml पड़ गया, हाँ तो वो अगर मुझे 3.5 डालना है तो 3.5 में से जितना भी होगा पहले इसमें डलेगा ऑयल फिल्टर में, फिर ये फिट होगा, फिर बाकी का बचा इंजन में डलेगा। अगर मैं डायरेक्ट ड्रेन करके अगर डलवाऊंगा तो इसमें पहली बात तो आपका पुराना ऑयल रह जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपके नए ऑयल से मिक्स हो जाएगा, तो फ्लश करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ ये याद रखिएगा कि पहले ऑयल फिल्टर में पुराना निकालें, नए में फिल करके अंदर लगाएं। अब पड़ेगा नया इंजन ऑयल, यहाँ से डलेगा आपका नया इंजन ऑयल। ये पड़ रहा है नया इंजन ऑयल। ये आपका इंजन ऑयल, अब एक बार गाड़ी स्टार्ट करेंगे ताकि पूरी गाड़ी में इंजन ऑयल सर्कुलेट हो जाए। करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। अब थोड़ा सा इंजन हीट होगा बिकॉज जो नया इंजन ऑयल पड़ा है उसका टेम्परेचर काफ़ी कम है, पहले वो गाड़ी के टेम्परेचर के मुताबिक आ जाए। तभी आप सुन रहे होंगे गाड़ी भी थोड़ा सा वाइब्रेट कर रही है टोटल में। अभी जब इसमें K&N का फिल्टर लगाया है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा है टोटल पे, और मतलब साउंड भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। ऑब्वियसली अब गाड़ी अच्छे से ब्रीथ कर पा रही है बिकॉज पहले तो ये एग्जॉस्ट था या आपका स्ट्रेट एग्जॉस्ट स्ट्रेट पाइप, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एयर इसमें से निकल रही थी। बट जो तो फिल्टर आपने देखा वो तो बिल्कुल चोक था, तो वो ब्रीथ नहीं कर पा रही थी गाड़ी, इनटेक में एयर नहीं आ पा रही थी। मगर अब जब से ये K&N का फिल्टर लगा है तब से गाड़ी का थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी अच्छा हो गया है, प्लस आवाज़ भी स्मूथ हो गई है। आप गाड़ी पूरी बंद होगी और प्लस जो रेडिएटर गार्ड है वो लगेगा। गाइस अब इसकी जो रेडिएटर ग्रिल है नई वो पूरी इंस्टॉल हो चुकी है, ये देख। गाड़ी हो चुकी है ऑलमोस्ट तैयार, ये फाइनल टचेस पे है, देन इसके बाद में करेंगे इसकी सीट इंस्टॉल और एक बार मैं आपको साउंड सुना दूंगा बाइक की। जरूर बाइक की हो गई चेन ल्यूप, इट्स ऑल रेडी नाउ। अब एक टेस्ट राइड, ये आ गई अपनी खुशबियाँ, ना हम भी चला के देखें। गाइस टेस्ट करी जाए, ओ
फिलर। अच्छा इधर पे।